दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज फिर से मैं एक नई टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, और ये टॉपिक है कि एग्रीमेंट फॉर सेल कितने समय तक चलता है और आप कितने समय, इस समय में आप क्या-क्या कर सकते हैं और इसका समय समाप्त होने पर आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और देखना भी होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आप इसमें इसकी जो नियाद होती है वो कितने समय तक होती है, और उस नियाद के अंदर ही आपको जो निर्णय लेना होता है वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यदि उसकी नियाद खत्म होगी, यदि उसकी नियाद खत्म हो गई, समय समाप्त हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरे इस वीडियो को समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, और जरा सी भी निगाह आपकी यहाँ वहाँ न हो, और तभी जा करके आपको इसके बारे में समझ में आएगा। दोस्तों, एग्रीमेंट फॉर सेल, ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल है, इसका जो समय सीमा है, इसकी जो समय सीमा है वो 3 साल की है। कितने साल की? 3 साल की है। अब आप कहेंगे कि भाई, इसकी तो सीमा 3 साल की है, तो हम 3 साल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, या 3 साल के अंदर सामने वाला यानी जो बेचने वाला है, यदि वो 3 साल तक आपको टरका टरका के आपके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे 3 साल के अंदर पूरा नहीं किया, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले जब आपका एग्रीमेंट बनता है, यानी एग्रीमेंट फॉर सेल जब बनता है, जब आप कोई घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, उस वक्त आपको ध्यान में ये रखना है कि परचेजर के सामने आपको क्या क्या कंडीशन रखनी है, और जो खरीदने वाला है उसे क्या क्या कंडीशन रखनी है, और जो बेचने वाला है उसे क्या क्या कंडीशन रखनी है, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर आना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कि यदि एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर कोई एक अमाउंट पे यदि आपका व्यवहार हुआ है और उस को आपको 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है, यानी आपको पैसे देने हैं और उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना है, यदि आप 6 महीने या 2 महीने में पैसे नहीं दे पाए, तो क्या बेचने वाला एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है? जी हाँ, वो भी कैंसिल कर सकता है। आपको नोटिस भेज के वो एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि भाई, आप 2 महीने में उसे पैसे दे देंगे, यदि आप 2 महीने के अंदर पैसे नहीं दे पाए, तो जो बेचने वाला है वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है। दोस्तों, यदि जैसे कि खरीदने वाला है और बेचने वाला, आप पैसे देते भी हैं, वो पैसा नहीं ले रहा है, और किसी वजह से वो आनाकानी कर रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका तो एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई, जब आपसे डील की, उसने कुछ कम पैसे में डील की, या उसका भाव उस समय उतना ही था, तो उसने डील की आपके साथ, एक एग्रीमेंट हो गया, और उसके कुछ महीनों बाद उस जगह का, उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का जो भाव है, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई। अब वो प्राइस बढ़ने से
जो बंदा बेचने वाला है उसके मन में लालच आ गया और उस लालच बस के कारण आपको वो बेचना नहीं चाहता है, आपसे आनाकानी करता है, आप खरीदना चाह रहे हैं जबकि आपके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको भी उसे नोटिस भेजनी है कि भाई मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास पैसा रेडी है, जो डील हुई थी उसके हिसाब से मेरे पास पूरा पैसा है, आप ये पैसा लीजिए और उसी दिन आ करके रजिस्ट्री करिए। यदि वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है और आपकी नोटिस का जवाब नहीं देता है, और यदि देता है कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है आपको, उसमें बाकी कोई रीजन नहीं लिखा है, तो आप उस बेचने वाले के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप जा सकते हैं और उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, इस पे स्टे दिया जाए और जो व्यवहार हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं और आप कोर्ट में जाकर के इसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस और उसके साथ में इंटेरिम यानी स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन लगा के आप उस पे स्टे ऑर्डर ला सकते हैं दोस्तों। और ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ 3 साल तक चलता है। यदि आपने सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया, सामने वाला भी चुप बैठ गया, आप भी चुप बैठ गए, आप भी उसको पैसा नहीं देना चाह रहे, आप सोच रहे हैं चलो एग्रीमेंट तो अब उसने रजिस्टर्ड कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेलर होता है वो खरीदने वाले के कहने से कि भाई मैं जो है आप रजिस्ट्री कर दीजिए और रजिस्ट्री करने के 1 महीने के बाद मैं जो है आपको पैसे पूरे दे दूंगा, अभी ये आधा पेमेंट आप ले लीजिए। तो ऐसे में कभी कभी जो सेलर होता है वो बेच देता है किसको, खरीदने वाले को, और खरीदने वाले जो खरीदने वाला है वो उसकी रजिस्ट्री करा लेता है। जब एक बार रजिस्ट्री हो जाती है तो जो खरीदने वाला है वो ये सोचता है कि अब तो इसने रजिस्ट्री कर दी है, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम उसको पैसा ही नहीं देंगे। तो इस उद्देश्य से वो जो है उसके अंदर डिस्प्यूट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बेचने वाले को ये ध्यान में रखना है कि भाई जब वो पैसे नहीं दे रहा रजिस्ट्रेशन करने के दिन से, तब से उसने कहा कि भाई मैं 1 महीने में दे दूंगा, यदि वो 1 महीने के अंदर पैसे नहीं देता है और इसके बावजूद जो बेचने वाला है वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ उसकी जो नियाद है वो 3 साल तक है। 3 साल के अंदर बेचने वाले को खरीदने वाले के खिलाफ एक्शन लेना है। यदि वो एक्शन नहीं लेता है यानी उसके खिलाफ कैंसिलेशन सूट नहीं फाइल करता है, यानी जो बेचने वाला है वो डिक्लेरेशन, पजेशन और कैंसिलेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि खरीदने वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए और उसे रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो ऐसे में जो बेचने वाला है वो डिक्लेरेशन, पजेशन और कैंसिलेशन के लिए जा सकता है उसे नोटिस भेजकर कि देखिए भाई आपने पूरा पैसा नहीं दिया, इसमें इतना व्यवहार हुआ था उसमें से आपने इतना पैसा दिया है, इसलिए जो मैं है इस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाता हूँ,
हमें आपको अब बेचना नहीं है। वैसे ही जो खरीदने वाला है, अब उसने खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं करवाई और ये सोचता है कि अब तो इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, पैसे आधे दे दिए हैं, लेकिन बेचने वाला भी चुप बैठ गया, खरीदने वाला तो चुप इसलिए बैठा है कि भाई उसने एग्रीमेंट करा लिया। देखो, यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है और आपने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो इसमें क्या होगा, जो बेचने वाला है वो तो 3 साल तक चुप बैठेगा, आप भी बैठ गए कि भैया ये अब क्या होगा, अब हमारे पास तो एग्रीमेंट, हम कभी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि बेचने वाला तो समझो एक्सपायर हो गया, तो उसके जो वारिस हैं वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, वो क्लेम कर सकते हैं ये बोल के कि हमें नहीं मालूम आपके पास क्या पेपर है, वो मुझे पेपर दिखाओ। यदि वो पेपर अनरजिस्टर्ड निकला, रजिस्टर्ड नहीं है, आपने पूरा व्यवहार कंप्लीट नहीं किया, पूरे पैसे नहीं दिए और उस एग्रीमेंट में सारी चीज लिखी है, तो उनके जो वारिस है वो क्लेम कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप चुपचाप बैठे रहे, इसलिए कि एग्रीमेंट हो गया है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। अब जब पूरा नहीं हुआ, पूरे पैसे नहीं दिए, यदि वो एक्सपायर हो जाता है, यदि एक्सपायर नहीं भी होता है तो भी आप प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते। और जब आप क्लेम करने जाएंगे, जिसने आपको बेचा है वो आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। क्यों? वो कहेगा कि भाई देखो, अभी तो 3 साल पूरे हो गए, आपने पेमेंट ही नहीं किया, जब पेमेंट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो 3 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको करना भी पड़ा, कर भी सकते हैं, तो 3 साल के बाद भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। यानी आपको पहले कोर्ट से जो देरी हुई है केस में फाइल करने के लिए, उसके बारे में भी आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और जब वो एप्लीकेशन करोगे तो आपको उसमें पूरे रीजन्स लिखने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं, इसकी जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसकी जो नियाद है, जो उसकी समय सीमा है, वो सिर्फ 3 साल की है। 3 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और इस तरह से आप जो है प्रॉपर्टी पे आप खरीदने के बाद भी आप अपना हक खो सकते हैं। जो आपने मेहनत का पैसा उसमें लगाया, वो मेहनत का पैसा सब वाया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि आप जो भी काम करें, अच्छा काम करें, और समय से आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा लें, समय से आप पैसे दे दीजिए, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रोकी जा सकती हैं। दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के, प्रोत्साहन बढ़ेगा और इसी तरह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और यदि मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। लोगों में इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।